इंदौर के प्राणी संग्रहालय में आए दिन कोई ना कोई पशु पक्षी आता है जो चिड़ियाघर में विशेष तौर से आकर्षण का केंद्र रहता है, जिसके चलते चिड़ियाघर में स्नेक हाउस बनाया गया जिसमें कई प्रजातियों के सांपों को लाया गया, जैसे देखने के लिए जनता ज्यादा से ज्यादा चिड़ियाघर में आ रही है, जिसके चलते भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्नेक हाउस पर शुल्क लगाया जा सकता है जिससे भीड़ को नियंत्रण कर सके। दरअसल चिड़ियाघर में स्नेक हाउस बनने के कारण लोगों की भीड़ ज्यादा से ज्यादा चिड़ियाघर पहुंच रही है, जिसके चलते भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा है। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए स्नेक हाउस पर 5 रुपए का शुल्क लगाया जा रहा है, जिससे स्नेक हाउस में भीड़ जमा न हो और आसानी से लोग सांपों को देख सके। जू में स्नेक हाउस ओपन होने के बाद लगातार जो है उसको देखने की लोगों की तादाद बढ़ने के कारण और सुरक्षा के दृष्टिगत हम लोगों ने कमिश्नर महोदय के स्वीकृति के पश्चात जो है स्नेक हाउस में 5 रुपए की एक शुल्क लगाई। बेसिकली वो शुल्क इसलिए है कि अनकंट्रोलेबल क्राउड को कंट्रोल करने के लिए और लोगों को सुविधाजनक वहां पे प्रोवाइड करने के लिए और मेंटेनेंस के दृष्टि में किया हुआ है और इसकी रिस्पांस बहुत अच्छी रही है। और लोग जो है इवन जो हम लोगों का जो संडे आई थी उसमें भी हम लोगों ने देखा कि मैनेजेबल क्राउड और एक्चुअली आसानी से देखने की वो हुई है। तो हम लोग ये देखते हैं कि सभी लोग जो है काउंटर के पास अपना वो 5 रुपए का वो शुल्क जमा करते हुए स्नेक हाउस का टिकट ले और पूरा स्नेक हाउस के जितने भी ये अपने हम लोग सुविधाएं प्रोवाइड करने हैं उसका आनंद लेने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ।